हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, काफ़ी लोगों के खेत में इस समय फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई होगी और मेरे खेत में तो तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में आज बताना है कि उनके प्लांट की ग्रोथ कैसी है, कितने लोगों के खेत में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और जो फ्लावरिंग है वो कैसी आ रही है। दोस्तों, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि आखिर हमें अपने प्लांट में जो घास निकल आती है तो उसमें जो हमारा फूल है उसकी तुड़ाई कब करनी है और क्या हमें अपना रख रखाव रखना है बंच का, इस समय फूल निकलने के टाइम अपने खेत का क्या क्या रख रखाव रखना है और कितने हत्थे अपने घर में रखने हैं, बंच में रखने हैं, सारा कुछ आज डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना प्लाट दिखाता हूँ कि मेरे प्लाट में जो फ्लावरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है। मेरे प्लांट में आप पौधे देख सकते हैं, पौधों की लगभग अगर तने की मोटाई बात की जाए नीचे की तो लगभग 42 इंच के आसपास है, 42 से 45 इंच के बीच में होगी इस समय, बहरहाल 40 से तो कम है ही नहीं। और मैं आप लोगों को अपने बंच एक दिखाना चाहता हूँ, यह बंच देख के मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। आप अगर पास से थोड़ा देखें तो ये जो हमारा हत्था आपको दिख रहा है, इसमें मैंने कल गिनी थी, इसमें 44 छिमियाँ हैं एक हत्थे में। तो एक पंजे में 44 छिमियाँ हैं, ऊपर वाले में 42 हैं, बगल वाले में 40 हैं। इस तरीके से कुल मिला के अगर हम अपने पूरी बंच में गिने तो, क्योंकि हमने दो हत्थे अपने नीचे के तोड़ दिए हैं, तब भी अभी पूरे बंच में 350 छिमियाँ हैं। तो दोस्तों, काफ़ी गजब का बंच ये आया है। बाकी अन्य जो हमारे प्लाट के बंच है उसमें भी 30 छिमी, 35 छिमी, इस तरीके से सब में हर पंजे में आपको 30-35 छिमी जरूर मिलेंगी। तो मेरा एक अनुभव अब तक का रहा है, थोड़ा छोटा सा अनुभव है दोस्तों। आप अगर ऊपर वाले हत्थे की आप अपने खेत में छिमियाँ गिने तो, अगर आप अपने ऊपर वाली छिमियों को गिनेंगे तो जितनी छिमियाँ लगभग आपके ऊपर वाले पंजे में होती हैं, अंततः जब आप अपना बंच वजन करेंगे तो लगभग उतने किलो का ही आपका बंच तैयार होके आता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं है। मैंने ये देखा है कि ऊपर वाले हत्थे में जितनी छिमियाँ होती हैं अंततः बंच का पूरा वजन लगभग उतने केजी ही आता है। तो ये आप बंच देख सकते हैं मेरे खेत में, कुछ इस टाइप की बंच है, गैप भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहला रखरखाव अपने खेत में क्या रखना है। दोस्तों, अपने खेत में सबसे पहला जो रखरखाव है पंच निकलने टाइम, आपको पर डे अपने खेत को आना है घूमने के लिए और आने के बाद अपना पूरा खेत घूमना है। क्योंकि ये होता है कभी कभी कि आप देख सकते हैं काफ़ी पत्ते घने हो जाते हैं। आप लोग देखिए, जब पंच निकलने का टाइम आता है तो खेत में पत्ते बहुत घने हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारा फूल जब ऊपर से निकलता है तो किसी न किसी पत्ते पर ही टंग जाता है, वो नीचे ना आकर के उसी पत्ते पर ही उसके दो तीन पंजे जो हैं वो खुल जाते हैं। उसके बाद जब पत्ते पर ज़्यादा वजन बढ़ता है दोस्तों, तब अचानक से हमारा फूल जो है वो नीचे को आता है और तुरंत टूट के यहाँ से नीचे गिर जाता है। इस तरीके से आपके खेत में कुछ नहीं, अगर आप पर डे आप नहीं आएंगे तो 4-5 फूल हो सकता है टूट के नीचे गिर जाएं। तब आपको ये लगेगा कि हो सकता है कोई कमी रह गई हमारे प्लांट में, कोई तत्व की कमी या कोई बीमारी है, किस वजह से फूल टूट रहे हैं। तो एक ये समस्या मैंने ज़्यादातर प्लाट में देखी है, मेरे प्लाट में भी पहले एक आध बार ये समस्या हुई है। तो सबसे पहला जो रखरखाव है आप लोगों को ये रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पर डे अपने खेत को जाना है या दूसरे तीसरे दिन जरूर जाना है। और जो भी पौधों में इस तरीके से फूल ऊपर टंगे हुए रह जाते हैं उनको नीचे कर देना है ताकि वो टूट के गिरने ना पाए। तो पहला रखरखाव दोस्तों हमें ये रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें अपने जो बंच है उसका फूल कब तोड़ना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे बंच में सारी छिमियाँ जो हैं वो खिल जाएं, अंततः आपको दिखाई देगा कि उसमें जो छिमियाँ हैं वो मरना स्टार्ट हो गई हैं। जब मरना स्टार्ट हो जाए, जहाँ से मरना एकदम ख़त्म हो जाए वहाँ से लगभग 4 इंची नीचे से आपको फूल तोड़ना है। तो अभी इस बंच में हमारे जहाँ तक छिमियाँ बनी हैं तो अभी इसका फूल तोड़ने वाला नहीं हुआ है, तो अभी इसका फूल हम नहीं तोड़ेंगे। बंच में हमारे लगभग इसमें अगर गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दोस्तों 15 हत्थे आ चुके हैं।
चलिए आप लोगों को अगले बंच में जिसमें फूल तोड़ने वाला हो, छीमियां भी तोड़ने वाली हूँ, उसमें थोड़ा आपको तोड़ के और सारा कुछ करके दिखाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देखिए आप इस बंच को देख सकते हैं, ये काफी अच्छी बंच ये भी है। सारी बंच लगभग मेरे खेत में एक टाइप की आ रहे हैं, क्योंकि पौधा भी लगभग एक साइज में है। अब इस बंच में आप देखें तो जो नीचे वाले हत्थे हैं, इसमें हमने दो हत्थे पहले से तोड़ चुके हैं, हमने तोड़ाई कर दी है इसकी। और आप देख सकते हैं जहाँ से छीमियाँ निकलना बंद हुई हैं, वहाँ से लगभग 8 इंची का गैप है, तो इतने नीचे से लगभग तोड़ सकते हैं। 4 इंची का गैप मिनिमम आपको रखना ही है, अगर 8 इंची का हो जाता है, 10 इंची का हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन 4 इंची से ऊपर ही आपको रखना है। और अगर आप बात करें कि छीमियाँ हमें हत्थे कितने रखने हैं दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि हत्थे कितने रखने हैं। दोस्तों अगर आपके प्लाट में जैसा भी पौधा है उस हिसाब से आपको हत्थे रखने हैं। आपको अगर आपके खेत में मान लीजिए एक घर में 16 पंजे 17 पंजे आ रहे हैं, 18 पंजे आ रहे हैं, तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं कि हमारे खेत में बहुत बड़ा बंच आ रहा है, तो चलिए सारी छीमियाँ रख देते हैं। सारी छीमियाँ रखने से आपका जो बंच है उसमें ऊपर की जो छीमियाँ हैं वो तो कुछ बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन जो नीचे की छीमियाँ हैं आपकी बंच इस तरीके से कुछ इस आकार में तैयार होगी। ऊपर की छीमियाँ जो हैं वो थोड़ा लंबी हो जाएंगी, तो वहाँ से थोड़ा चौड़ाई हो जाएगी, और नीचे की एकदम पतली होकर एकदम नीचे की सकरी हो जाएगी घर, जिससे जब व्यापारी खरीदने के लिए आएगा तो नीचे के जो हत्थे 4-5 आप एक्स्ट्रा रखेंगे उसमें, उनको वो काट के निकाल देगा, क्योंकि वो उसके बिकने के लायक नहीं रहेंगे। तो आपको बताता हूँ आपको अपने खेत में बंच मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने हत्थे रखने हैं। सबसे बड़ा सिस्टम ये है दोस्तों, मेरा पर्सनल अनुभव ये भी है, आपको अपने पौधे के हिसाब से उसमें हत्थे रखने हैं। जैसे आपका पौधा बहुत बढ़िया मोटा शेड्यूल अच्छा तैयार है, तो आप उसमें अच्छे पंजे रख सकते हैं, ज़्यादा पंजे रख सकते हैं। अगर आपका तना पतला है तो आप उसमें ज़्यादा पंजे ना रखें, उसमें थोड़ा कम पंजे रखें, ताकि जितनी आपके पौधे में ताकत हो उस हिसाब से जब आप बंच में हत्थे रखेंगे तब आपका पूरा बंच जो है वो एकदम सीधा तैयार होगा। आपकी जितनी लंबाई ऊपर वाले छीमियों की होगी लगभग उतनी ही नीचे की होगी, हल्का 19 हो सकती है बस। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, अगर आपके पौधे की जो मोटाई है आप तने की नापिए, नीचे की जो मोटाई है अगर वो आपकी मोटाई 35 इंची से लगभग 40 इंच 42 इंच, अगर 35 इंची के ऊपर है तब तो आप अपने खेत में जो हत्थे हैं वो लगभग 12-13 हत्थे आप अपने बंच में मैक्सिमम रख सकते हैं। 13 हत्थे से ऊपर अगर आप रख रहे हैं तो जो नीचे के हत्थे हैं उनमें ज़्यादा लंबाई नहीं आएगी, ऊपर के हत्थों में ही आएगी। दोस्तों होता इससे यह है, अगर आप नीचे के हत्थे की तोड़ाई कर देते हैं तो ज़्यादा आपके वेट पर कोई अंतर आने वाला नहीं है, वेट आपका उतना ही आएगा, केवल आपके बंच की जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो जाती है। तो जो 35 से 40 इंच 42 इंच वाले हैं वो लगभग अपने पौधे में 12-13 हत्था रखें, 13 हत्था तक रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे इस बंच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दोस्तों लगभग मेरे तने की मोटाई 40 इंच के आसपास है, तो मैंने 13 हत्थे इसमें रखे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबाई भी है बंच की, तो इससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके खेत में मान लीजिए कोई पौधा हल्का है जिसमें आप अगर अपना तना नापें तो लगभग 30 इंच से 35 इंच के बीच में ही है, तो आप उसमें ज़्यादा हत्थे न रखिए कि उसमें 12-13 रख दीजिए, उसमें आपको 11 से 12 हत्थे ही रखने हैं, 11-12 हत्थे रख दीजिए। अगर आपके तने की मोटाई 25 इंच से 30 इंच के बीच में ही है तो आप अपने खेत में 10 से 11 हत्थे रख सकते हैं। इस तरीके से जितनी मोटाई आपके तने की है उस हिसाब से आप अपने बंच में हत्थे रखिए, इससे ये होगा कि आपकी जो बंच है वो एकदम बराबर तैयार होगी, आपका बंच जो है वो शाइनिंगदार एकदम छीमियाँ देखने में क्वालिटीदार लगेंगी, जिससे व्यापारी जो भी खरीदेगा आपको अच्छे दाम मिलेंगे, प्लस आपका वेट लगभग उतना ही आएगा जितना आप पूरे हत्थे रख के बंच वेट लेंगे, वेट का कोई अंतर नहीं आता है, मैंने ये करके देखा 19-20 का अंतर आता है बस। तो ये सब बातें रही आपके जो घर निकलते समय फूल निकलते समय से और बंच की तुड़ाई करने तक हमें क्या क्या रख रखाव अपने खेत में रखने हैं। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बराबर बताता रहूँगा, पिछले साल भी बताया है मैंने, आपकी बंच जब
स्प्रे के लायक तैयार हो जाए तो आपको अपने खेत में स्प्रे कौन से करने हैं, और आपका एक नेक्स्ट वीडियो इस समय बस 2 दिन के अंदर ही आने वाला है जिन लोगों के खेत में फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो फ्लावरिंग स्टार्ट होने के समय हमें कौन सी खाद देना चाहिए ताकि हमारे खेत में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव बन जाए और छिमियों की संख्या ज़्यादा हो। जैसा कि आप मेरे किसी भी बंच में देख लीजिए, लगभग सब में एक हत्थे में 30 छिमी, 32 छिमी, 34 छिमी, 40 छिमी, अभी मैंने आपको एक बंच दिखाया था उसमें 44 छिमी तक बंच आई हैं। तो छिमियों की संख्या थोड़ा बंच आपका चौड़ाई में आए, कैसे आए सारा कुछ खाद के माध्यम से जो भी मैं डालता रहा हूँ बताता रहा हूँ, अगले वीडियो में यही बताऊँगा कि फ्लावरिंग के टाइम पर कौन सी खाद दी जाए। दोस्तों मेरा इसी तरीके के सारे वीडियो आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पर नए हैं, और वीडियो आप लोग जरूर से ज़रूर लाइक करके जाइए करिए ताकि मुझे थोड़ा ये मनोबल मिलता रहे कि मेरा वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। और जो भी लोग जिन भी लोगों को लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है सभी लोगों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें जिससे सभी लोगों को ये जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के खेत की ग्रोथ कैसी चल रही है, अगर कोई समस्या होती है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।